उधर एक वॉचमैन है और उनका बेटा। इधर कौन सोता है कार में फिर? देख रहे हो गोल्डन टेम्पल है ये पीछे। ओ मम्मी, घर के सामने स्विमिंग पूल है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना फिर से एक ट्रैवलिंग व्लॉग है और गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं? पांडिचेरी। हाँ, पांडिचेरी जा रहे हैं, वो भी 2 डेज के लिए, क्योंकि आपको जैसे पता है अभी प्रांची दीदी आया है। परी का अभी दशहरा वेकेशन चल रहा है, इसीलिए छुट्टी है, परी का स्कूल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं पांडिचेरी। हाँ। चले। हाँ। चलो बाकी सबसे थोड़ा मिला देते हैं। चलो तो इधर परी जीनी रेडी है। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, बोल रहा है लेट हो गए। तो फिर ये है हमारे दादी जी। मम्मा हाय बोलो। हाय। परी को ठंडा हुआ? हाँ। और ये है अदुरु। हाय बोल दो आदि। हाय। किसको हिच कह रही है? अब तो पानी पिएगा थोड़ा। और ये है मेरी मम्मी। हेलो। ये किसकी मम्मी है? ये किसकी मम्मी है? आदि मम्मी है। दीदी मम्मी है। पीछे कितने सारा सामान है, पीछे ये लगेजेस है, उसके लिए एक पूरा सीट ले लिया। हाँ, और हमारे लिए उधर एक वॉचमैन है और उनका बेटा यानी कि मेरी जी खुश हो गया है। जी पीछे क्यों बैठे पता है? हाँ। ताकि तुम दोनों बहनें साथ में बैठ पाओ। हाँ। तुम दोनों कंफर्टेबल हो ना पीछे। हाँ ठीक है, नहीं तो आप आगे आ जाना, मामा को पीछे दे देंगे। इन दोनों बहन को साथ में बैठना है। Okay. हाँ, कोई अकेला हो हाँ, जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तीन दोनों बहन और ये हमारे दुष्टो आदि। तो चले। हो गया। क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? लेट्स गो। It's 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. परी बेटा, परी तो सो गई। परी का तबीयत थोड़ा सी ठीक नहीं है। हाँ जी, आपको भी नींद आ रही है क्या? बस इसको ही नींद नहीं है, सोकर उठ गया है। उसका नींद कंप्लीट सुबह हो गया, मतलब ये और नहीं सोता है, देखता रहेगा टुकड़ टुकड़। और हमारा छोटू वो सो गया है, वो भी सो गया। ठीक है, सब लोग थोड़ा सा सो जाओ और क्या। तो फिर अभी बेंगलोर से हम लोग बाहर जा रहे हैं और जैसे कि आपको पता होगा जो कर्नाटका है यहाँ पे थोड़ा अभी डीजल सस्ता है। कितना है भाई? तो जो कर्नाटका का जो प्राइस है वो 87 है और अभी जब हम तमिलनाडु मतलब जो अब पांडिचेरी जाएंगे तो तमिलनाडु होके ही जाएंगे तो वहाँ पे प्राइस ज़्यादा रहता है। शायद हो सकता है पौंडी में प्राइस कम होगा क्योंकि वो एक्चुअली यूनियन टेरिटरी पे आता है और गाड़ी में तो सब सो गए हैं तो पौंडी को पहुंचते पहुंचते हमको अराउंड 5 आवर लगेगा, 12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। प्रियांशी, ब्रेकफास्ट करेंगे? आप क्या खाओगे? चलो देखते हैं, पहले बहन को उठाओ। दोनों को देखो, सब सो गए, कैसे सो गए हैं, है ना? ब्रेस्ट स्लीपिंग। सो रहा है। इसको खाना खाना है? नहीं नहीं खाना है। मैं बहुत मुश्किल से सोई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये परी तो आपके इधर पैर रख के सो रही है। प्रियांशी बहुत मुश्किल से सोई क्योंकि मेरा सर इधर 4 बार बज चुका था। ओ बहन मेरी तुम उठ तो जाओ। फाइनली आ गए। अभी भी नींद में है शायद से। नींद गया या अभी भी है? इधर कौन सोता है कार में फिर? शाबाश बेटा। तो फिर गाड़ी यहाँ पे पार्क है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ये आप नीचे देख सकते हो मुर्गन इडली। तो बेसिकली सैटरडे संडे आप आओगे तो यहाँ पे बहुत लंबा क्यू होता है और मैं इसीलिए आजकल सैटरडे संडे अवॉइड कर रहा हूँ और आज जो है मंडे है तो पूरा खाली है। अगर आप वीकडे पे आते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा ये जगह ट्राई करने के लिए। काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस है, आपको टॉयलेट वगैरह साफ़ सुथरा मिल जाएगा और ये इसका एंट्रेंस है। ठीक है, क्या खाएँगे आप? क्या खाओगे प्रियांशी? कुछ भी? ओके, इनके लिए कुछ भी। आपको कुछ भी, कोई डिश का नाम नहीं है, मतलब कुछ भी चलेगा। ओके कुछ भी लाना है आपके लिए। ठीक है, इनके लिए कुछ भी ऑर्डर करना है आपको। इडली, उपमा, पूरी, ऑयली, मामा आपके लिए डोसा, मसाला डोसा। डोसा डोसा इडली नहीं खाओगे? दो चलो।
देगा बताओ खाना अपने नानी को देगा क्या खाना चटनी ये सब ऐसे क्यों देख रहा है हमेशा मम्मी के जैसे गुस्सा होके देखता है नंबर दे दे ये लो लो आ गया तो अभी हम लोग हैं इधर तमिलनाडु में तमिलनाडु के कृष्णगिरी के जगह में और हम वो जगह आए हैं जो कि हम मतलब हर ट्रिप पे ना यही जगह आते हैं हम खाने के दीदी फर्स्ट टाइम आए मगर ये मेरा फोर्थ नहीं तो फिफ्थ टाइम है ये एक्चुअली द बेस्ट डोसा है जो मैंने खाया मतलब बहुत टेस्टी है इतना सारा चटनी है हाँ A few moments later. तो फिर finally अभी breakfast हो गया है अभी और हेमा को अभी कितना है 220 किलोमीटर होगा तो बीच में कहीं पे चाय पियेंगे बेसिकली थोड़ा ये जो मुर्गन इडली है बहुत सारे लोग इसको मतलब आते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है इधर आते हो तो इडली खाओ 20 रुपीज़ है बाकी डोसा वगैरह छोटा छोटा आइटम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है आई कैन से ओवर एक्सपेंसिव है और सर्विस भी आज जैसे मैंने वीकडे को भी आया था खाली खाली था बट फिर भी सर्विस इतना बेकार है कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आने वाला हूँ इधर ठीक है तो ऑनेस्टली वन टाइम आप ट्राई कर सकते हो बट आफ्टर दैट आपको पता चल जाएगा कि इधर आना है कि नहीं आना है बहुत टेस्टी था डोसा एक्चुअली बट थोड़ा सा कम क्रंची हो गया मेरा एंड में हाँ मेरा भी एंड में थोड़ा कम क्रंची होता और उसमें तीन तीन लेयर था ना तो हड़बड़ी में ना मैं तीनों लेयर बड़े बड़े पीस खा कर खा रही थी हड़बड़ी में खाई हाँ अच्छा डोसा क्रंची था मामा का डोसा क्रंची था क्रंची क्रंची मामा क्रंची बोलती है तो अभी और कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने के लिए मामू चार घंटा इतना टाइम ओह माय गॉड आप कार में जा रहे हो फ्लाइट में नहीं जा रहे हो वो भी है वो अगर कार फ्लाइट बन जाता तो तो जल्दी जल्दी चले जाते फ्लाइट में भी टाइम लगता है बस एक घंटे या घंटे में इतने टाइम में पहुंच जाते रहे और इधर पीछे आयु आज बहुत परेशान कर चुका है सबको तब से ये करके रो रहा है उसका कहना है कि उसको बस पकड़ के कोई एक घुमाता रहे और उधर पीछे मम्मी जो बैठी है गाड़ी से उतर गए तो बैठने का गाड़ी पे बैठने का मन ही नहीं हो रहा उसका देखो फिर से कुछ बोल रहा है हमें अभी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में ऐसे क्यों बोले दीदी वो बातें कर रहे हैं अभी वो बातें कर रहा है और वो पीछे दोनों कंफर्टेबल हैं कि नहीं कुछ हाँ माँ बेटा बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि हमको बहुत इतना रो रहे हैं हाँ स्पेस चाहिए ना अभी अच्छा लगा उनको गाड़ी चलने के बाद बातें कर रहे हैं तारा ने पूछा सबसे प्यारा कौन है पापा नहीं नहीं मम्मी मम्मी नहीं नहीं मम्मी नहीं दीदी तू अभी तक किसके गोदी में सो रहा था नहीं दीदी अभी गाड़ी चला रहे हैं पापा ना घूमने जाना है उसको सबसे प्यारा आदि है आदि अभी अभी उठा है ए दीदी कितने प्यार से आज परी दीदी बोला नहीं तो दीदी बोलती प्यांसी दीदी और आदि ने मैचिंग मैचिंग किया है क्या हम लोगों ने प्लानिंग किया था येलो येलो पहनने के लिए हाँ बेटा अच्छा आदु पर दीदी ने तुम्हें परेशान किया क्या लाडू प्यार चल रहा है अभी उसके बाद अभी खींचा तानी चलेगा और कितना टाइम लगेगा अभी भेलोर आने वाला है अभी और 30 किलोमीटर पे भेलोर आएगा थोड़ा चाय पानी पियेंगे और उसके बाद फिर एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे तो लगभग 12:30 तो बजेगा ही बजेगा 12:30 अंदर हुए कहीं पे लंच करके चलते हैं वो सही रहेगा वो बेटर रहेगा क्योंकि हमारा 2:00 को चेक इन है ना होटल का तो 2:00 पहुंच जाएंगे ठीक है हाँ फिर पानी पूल में मस्ती करेंगे वहाँ पे ठीक है पूल में नहाने के लिए कौन कौन रेडी है नहीं परी नहीं जाएगी क्योंकि परी को सर्दी हुई है ना हाँ परी को कोल्ड परी कुन भाई को पकड़ेगा नहीं मैं जाऊंगी आयु को संभाले ना आयु को तो पकड़ना है आदु कुन भाई को पकड़ेगा
आदु कुनू भाई के साथ खेलू खेलू करेगा, आदु ऐसे पकड़ेगा कुनू भाई को। ओ ओ ओ ओ नहीं 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 ओ ओ ओ ओ आयो 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 गुजु गुजु आयो। परी दीदी क्या कर रही है, परी दीदी क्या कर रही है, क्या कर रही है परी दीदी? अभी आयु आगे आया है। अच्छा, और पापा और कितना टाइम? अभी हम लोग भेलोर का गोल्डन टेम्पल देखेंगे और वहाँ पे कैमरा मोबाइल तो कुछ अलाउड नहीं है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी बस 2-3 किलोमीटर है। तो क्योंकि आने के टाइम पे प्लान था कि गोल्डन टेम्पल जाएंगे, बट भेलोर आएंगे कि नहीं नॉट श्योर, सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर देख लेते हैं। हमारे जो मम्मी जी है ना, उनको देखना है वो मंदिर, बहुत दिनों से वो बोल रहे थे। वीडियो में वो तो दिखेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि हम लोग मोबाइल वगैरह सब गाड़ी में छोड़ के जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर 2-3 घंटा लग जाएगा, 2-3 घंटा, 3 आवर लगेगा। oh फिर हाँ, ये रूट थोड़ा ऐसा है, थोड़ा पतला पतला, देख रहे हो ना कैसा रूट है, तो रूट बहुत पतला है, तो ज्यादा स्पीड नहीं जा सकते। तो फिर अभी हम लोग हैं भेलोर पे, ये आप जो देख रहे हो गोल्डन टेम्पल है ये पीछे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो आपको अंदर से हम दिखा नहीं सकते हैं। गाड़ी हम यहीं पे पार्क कर दे रहे हैं और वहाँ पे मेन एंट्री है, तो उधर जाएंगे अभी और देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1-2 घंटा लगने वाला है, तो पौंडीचेरी पहुँचते पहुँचते इवनिंग हो जाएगा। अभी प्लान थोड़ा चेंज हो गया, बेसिकली ये जो गोल्डन टेम्पल मेरा प्लान था कि रिटर्न के टाइम पे मैं कवर करूँगा, बट इस रूट पे आऊँगा कि नहीं मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, तो देखते हैं। आर यू एक्साइटेड गोल्डन टेम्पल? गोल्डन टेम्पल क्या होता है? चलो इधर देखेंगे। मामा आप कब से बोल रहे थे? आज पहुंच गए फाइनली? पहुंच गए। पूरा फुल फैमिली? नहीं है फुल फैमिली। इनको 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 देखिए। भांजे नहीं है। ओ भांजे आधार है। चले हाँ। चलो चलो A few moments later. भगवान जी का दर्शन हो गया? हाँ। अच्छे से हुआ? हाँ। बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे से हुआ। आरती टाइम पे हम लोग गए ना। हाँ। और वहाँ पे कुछ बोर्ड थे जहाँ पे लिखा था कि ये जो महालक्ष्मी जी है ना, वो हमारा लाइफ का स्टार्टिंग भी होते हैं और डेथ भी होते हैं। और क्या लिखा था दीदी? हाँ, जो लक्ष्मी जी है ना वो 70 kg गोल्ड के हैं, मतलब उनका जो मूर्ति रखा गया वो टेंपल पे, वो वहाँ पे ना गणेश जी भी हैं, क्योंकि सारे भगवान जी पहले गणेश जी, हाँ पहले सिल्वर गणेश जी, हाँ वो सिल्वर का था। और उसका वो कितना केजी का था वो मुझे नहीं पता, वो लिखा नहीं गया था। हाँ। हमें भूख लग रही थी तो थोड़ा सा हम उधर ही खा लिए। तो अभी भूख तो है नहीं, अब लंच कैसे करेंगे हम? एक थोड़ा टाइम लेते हैं। पहले पहुंच जाते हैं, बट आपके मामू ने तो और आदि ने नहीं खाए, बाकी हम सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिए। आपको भूख लग रही है क्या? मेरे को थोड़ा बनाना खाना है। बनाना मिलेगा तो खाओगे ना? और मैं हाफ पैंट पहन के गया था, फिर कार को आके फिर फुल पैंट पहन के गया। तो जो लोग आते हो तो हाफ पैंट पहन के नहीं आना है। और अभी हम भेलोर से जब अभी पौंडीचेरी जो है और 3 घंटा लगने वाला है, 150 किलोमीटर है, और रोड ऐसे ही मिलेगा, सिंगल लेन मिलेगा हमको अभी, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और ये आदि क्या कर रहा है इधर आगे बैठ कर? हाँ पीछे आ जाओ आदि, गिर जाओगे बेटा। क्या आदि को भूख लगी है? क्या भूख लगी है आदि को? नहीं। Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. अभी हम लोग लंच के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे।
चलो देखते हैं क्या खाने को मिलता है। अभी टाइम ऑलरेडी 1:30 हो चुका है, प्लान थोड़ा चेंज हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। आयु ना खाना खाने बैठा है, पहले अपना खाना कंप्लीट कर। ये आदि का खाना आ गया। ये लो आदि, तुम्हारा खाना आ गया। मिला है मुझे कुछ पता नहीं है, पता चल रहा है ये राई जैसा है, ये कुछ मीठा टाइप का ऐसा है, बड़ा सांबर पनीर और ये राशन। तो अपना खाना लेके आया। कैसा है आदि? कैसा है आदि बोलो थोड़ा, कैसा है? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है राइस? अच्छा है चपाती के लिए रो। तो फिर अभी हो गया इवनिंग 4:30। 4:30 इतना लेट? इतना लेट कैसे हो गया? 4:20। हाँ प्लान चेंज हो गया ना, मंदिर चले गए। बट रोड काफ़ी अच्छा था। ओके है ना, कोई आइडिया नहीं, मैं सो गई थी, मैं जस्ट लास्ट लैप। अभी रूम चलो देखते हैं कैसा है। इन लोगों तो अभी पूल में जाने के लिए रेडी हैं। चल पर डायरेक्ट पूल में चलते हैं। पूल में जाएंगे? कूद लेंगे उधर। ठीक है। मैं पूरा गाड़ी सोकर ऑलमोस्ट आराम से सोई, सोकर आई थी और आराम से। इतना सारा जगह नहीं था, मेरा पेट का ये जगह दुख रहा है, पीठी दुख रहा है, कमर दुख रहा है, गला दुख रहा है, और मेरा ये वाला हाथ, ये वाला हाथ आयु सो के। घर के सामने स्विमिंग पूल है। अदु क्या देख रहा है? अदु टीवी देख रहा है। पहले परी पहले देखती थी ना? हाँ, ये वाला क्या था जो वो रुद्रा। हाँ याद है, काफी बच्चे रुद्रा देखते हैं ना। हाँ। तो अभी हम पांडिचेरी पहुंच गए हैं और रूम में भी चेक इन करके थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं ना परी। हाँ। और अभी परी का क्या प्लान है? स्विमिंग पूल। अच्छा, दीदी भी रेडी हो रहा है उसके लिए। परी को भी स्विमिंग ड्रेस पहनना है और आगे बहुत सारे मस्ती आने वाला है। हाँ। ना परी। हाँ। तो फिर वो सब आएगा नेक्स्ट व्लॉग पे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। हाँ। तो फ्रेंड्स, वैसे आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, बाय, लेट्स एंड द वीडियो। तुम करो। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखी हो कि नहीं? अगर नहीं देखी हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार है।